तो अभी हम पहुंच गए बाबा अल्लाह बताए मछली वाले, तो ये मशहूर है मुल्तान की मछली, तो नवीब भाई बता रहे हैं, मुझे तो पता नहीं है, तो नवीब भाई बता रहे हैं, तो ये सारी वो मछली लेके आए, तो ये वो शॉप है ये वाली। अभी जाके मछली चेक करते हैं तो आपको बताते हैं कैसी मछली है। हमारी मछली आ गई है ये वाली मछली, तो नवीब भाई को पता है कौन सा है, तो ऑर्डर इन्होंने दिया है। ये रेड पेपर और लाल मिर्च वाली मछली है, ये वाली रेड पेपर, ये रेड पेपर पेपर ब्लैक पेपर पेपर नहीं ब्लैक पेपर, और ये कौन सी है ब्लैक पेपर, ये पेपर कह रहा था मैं, पेपर आ गया, ये मशहूर है इनकी बहुत ज्यादा। अच्छा ये मछली कौन सी है, ये नहीं पता, ये जमरा मछली कह रहा है, जमरा मछली है। अभी खा के चेक करते हैं, खैर नवीब भाई ने बताया था कि बहुत ज्यादा मशहूर है, काफी ज्यादा यूट्यूबर्स में हमारी वजह से अभी खा के कैसी है, मजेदार है, अच्छा है, तो अभी मैं चेक करता हूँ कैसी है। पहले मैं मछली काम करता हूँ, नवीब भाई के कहने पे खाने लगा तो थोड़ी सी खाई, स्पाइसी है, मजा आ गया, तो आज रेड पेपर वाली ज्यादा मजा, काली मिर्च वाली ट्राई करके आज तूफानी हो जाएगा। दोनों ही वाकई है ना लाजवाब है, लाजवाब। अभी मैं खा के एंजॉय करूँ, वीडियो बंद करते हैं ये भाई, अल्लाह बस आएगा मुझे, वाकई मजा आ रहा है। अभी मैं मछली वगैरह खा ली है अल्लाह वसाया से, तो बड़ी मजेदार मछली थी, तो अभी नवीब भाई बिल वगैरह दे रहे हैं, तो वो बिल लेके आते, फिर हमने जाना है आर्ट गैलरी दमदमा, तो वहां पे कुछ टाइम स्पेंड करके, वहां पे रात टाइम जो है मुल्तान का व्यू देख के, तो फिर इंशाल्लाह चांपे या कि मशहूर, तो अगर प्रोग्राम बना तो फिर यहाँ की मशहूर चांपे है तो वो खाएंगे, तो मछली यहाँ की मशहूर मछली है ये, तो काफी ज्यादा रिकमेंड मैं करता हूँ, क्योंकि मुझे तो काफी ज्यादा मजेदार लगी है और नवीब भाई को भी काफी ज्यादा अच्छी लगी है, तो अभी हम जाते हैं, तो नवीब भाई आ जाए बिल, तो वो बिल दे रहे हैं अभी, तो नवीब भाई भी आ गए। हाँ आ जा बैठ जा, अरे सब पूछ रहे हैं अभी, तो बाई बार से जाना हमने दमदमा, तो पीछे से बता रहा है लड़का, तो आगे से देख रहे हैं क्या बनता है। Yes. क्या पूछा, मैं पूछ रहा था गेटनगर चौक जाना, किधर से जाना है, वो कह रहे दिल्ली गेट की तरफ से वापस पीछे से। हाँ तो ठीक है, तो अभी दोबारा वापस पीछे से जहाँ से हम आए वहाँ से जाएंगे। तो ये जी मुल्तान का स्टेडियम है यहाँ पे, तो नाम नहीं मुझे पता क्योंकि हम बैक साइड से हैं, तो ये स्टेडियम है मुल्तान का, तो अभी हम जा रहे हैं जी दमदमा आर्ट गैलरी, स्टेडियम भी आ गए रस्ते में। तो पार्किंग बड़ी मुश्किल से पार्किंग ढूंढ के, तो करीब ही पार्किंग मिल गई, तो हमें पहले पता नहीं था, हमने दूर लगा दी थी, तो अभी हमें नज़दीक ही पार्किंग मिल गई है, बैग भी गाड़ी में और गाड़ी ला कर दी है, तो सामने हमारे ये शाह रुकने आलम का मज़ार भी है, तो अभी हम जा रहे हैं दमदमा आर्ट गैलरी, तो बहुत देखनी रहती थी, तो वहाँ से पूरे मुल्तान का व्यू नज़र आता है, तो नवीब भाई साथ ही हैं। मछली वगैरह खाई है तो कैसी लगी थी मछली, अभी थोड़ी सी एनर्जी सी दोबारा से आ गई है, तो अभी इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये आपको आज वाले व्लॉग जो हैं अच्छे लग रहे होंगे मुल्तान वाले, तो मैं फुल कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे व्लॉग बने, इधर 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 मेरे ख्याल से, हाँ तो ये मेरे साथ ही मेरे ख्याल ये है, पता नहीं इधर दूसरी तरफ है स्टेडियम भी है और कासम बाग है वो भी साथ ही है, तो आपको दिखा दें,
तकरीबन यहाँ ये सारा कासिम बाग ही है, तो स्टेडियम यहाँ का बंजर हुआ पे है, तो स्टेडियम यहाँ का बंजर हुआ पे है, बेरान हुआ पर है, तो मेरे पीछे क्या खूबसूरत व्यू आ रहा है ये शाहरुख ने वाला। तो ये सामने आ गए जी हमारी आर्ट गैलरी, तो अभी देखेंगे अंदर से वीडियो बनाने की इजाज़त होगी कि नहीं। तो वीडियो ये सारी एक ही जगह है, आर्ट गैलरी भी यहीं पे है, तो शाहरुख ने आलम का मज़ार भी यहीं पे है। सामने आपको गुंबद वगैरह नज़र आ रहा होगा, और बहाउद्दीन ज़करिया साहब का मज़ार भी इधर ही है, और यहाँ निगार खाना मसनूआत पाकिस्तान पता नहीं क्या है, मेरे म्यूज़ियम होगा। तो ये जी आर्ट गैलरी, तो ये है जी आर्ट गैलरी। तो यहाँ पे कल्चर दिखाया गया पंजाब का, ये जी वो है धागा बनाने वाली, क्या कहते हैं, पता चक्की कहते हैं क्या कहते हैं, ये मदानी बेलना बच्चे हुक्का। तो ये कुआं बनाया हुआ है, और ये जी क्या कहते हैं इसे चूल्हा। तो यहाँ कपड़ों की रंगसाजी हो रही है, और ये शाह शम्स तबरेज़ पर हाजरी, ये उनका दीवार दरबार वो दिखाया यहाँ पे। तो ये शहर लड़ाई का मंजर है, ये अब्दुलसमद की ये फवाज है गवर्नर, और ये मुल्तान का हाकम मुजफ्फर खान, ये शेर शाह सूरी की पेंटिंग है, ये कैदी है शेर शाह सूरी से रहम के बीच की इज्जा करते थे। तो इस तरह ये सारी जो है कल्चर हो यहाँ का मुल्तान का वो दिखाया गया है, या क्या क्या हिस्ट्री है जो भी, तो वो सारी यहाँ पे लिखी हुई है। तो ये लिखा है सिकंदर जब किला मुल्तान के दमदमे पर चढ़ गया, तो मलूही सिपाही ने उसे घेर लिया, सिकंदर जो है उनका मुकाबला करता रहा। तो ये सारा आपको भी तो ये सारी यहाँ पे हिस्ट्री वगैरह बताई गई। तो ये अलहदा कमरा है, तो यहाँ पे पता क्या लिखा हुआ है, तो ये मैंने पढ़ूंगा टाइम इतना नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको पता नहीं सही से नजर आ रहा है कितने का रोक। अभी ऊपर चलते हैं, तो यहाँ पे ये सारे सरंगियां वगैरह रखी हैं काफी है। तो ये पीतल का बना के रखा हुआ है इन्होंने, आप समझ गए होंगे क्या है। तो ये भी पीतल का बना हुआ है, यहाँ मेरा ख्याल पीतल का काम काफ़ी ज़्यादा होता है, पीतल का मारखोर बना के रखा है, और ये पीतल का तो पीतल का ऊंट। तो ये जी मुल्तान की मेरा ख्याल सारी जितनी भी यहाँ पे लकड़ी और शीशे की नवादरात की नुमाइशी अलमारी बनाई हुई है इन्होंने। हम आर्ट गैलरी आए हैं, तो मुझे समझ नहीं आ रही आपको क्या क्या दिखाऊँ आपको। ये पीछे सारी पिक्चर्स हैं, और ये आप देख सकते हैं मुल्तान शहर काफ़ी खूबसूरत, मुझे तो ये बहुत खूबसूरत लगा। तो स्पोर्ट्स कार वगैरह खड़ी की गई, तो वो घंटाघर है मुल्तान का, तो ये मेहम मजर है उनके घंटाघर के सामने, और ये है ये क्या चीज़ है, तो ये मेरा ख्याल है मुझे नहीं समझ ये क्या चीज़ है। दमदमा, हाँ ये दमदमा है जिस बिल्डिंग में मैं खड़ा हूँ, तो ये वो बिल्डिंग है जिन्होंने बनाई है, वो है जी चार रुपये आलम का मदार, और ये अभी बहाउद्दीन ज़करिया का मदार, और ये मंदिर है ये वाला, तो ये काफ़ी प्यारा बनाया उन्होंने। तो ये सारी हिस्ट्री की तस्वीरें हैं जो कि दिखाई गई हैं, और नवी भाई जो बता रहे थे खूनी गेट जो खूनी जो पुल है ब्रिज है, तो ये उसकी हिस्ट्री लिखी है। 2 जनवरी 3 बजे शाम खूनी ब्रिज पर पहली बम्बई यूरोप फ्यूज गोलाबारी करते हुए, तो ये उसकी ये मंजरकशी की गई है। तो धमाके के बाद मुल्तान की हालत हुई सर इसी तरह। अभी हम सबसे ऊपर टॉप पे आ गए, तो यहाँ से आपको पूरा मुल्तान है वो दिखाएंगे आगे। Raise your hands up. Raise them up.
देखिए क्या खूबसूरत मंजर है यहाँ का। मैं नहीं बता रहा यहाँ से लिखा हुआ है, अभी दूसरी तरफ चलते हैं। तो यहाँ से क्लॉक टावर सामने नजर आ रहा है, तो यहाँ से दूसरी तरफ क्लॉक टावर है मुल्तान का, वो नजर आ रहा है। तो यहाँ पूरा मुल्तान नजर आ रहा है यहाँ। तो यहाँ से ये कबूतर भी नज़र आ रहे हैं, तो इन्हें दाना डाला हुआ है काफ़ी ज़्यादा। तो ये काफ़ी यहाँ पे कबूतर बहुत ज़्यादा हैं। तो शाह रुकन आलम के मज़ार पे भी काफ़ी ज़्यादा थे, हज़रत बाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह उनके मज़ार पे काफ़ी ज़्यादा थे, और जो शाह शम्स तबरेज़ है उनके मज़ार में काफ़ी ज़्यादा था। अभी एक बंदा दाने डाल रहा है, तो क्या कबूतर मंजर, वाह। तो ये सही हिस्टोरिक सिटी है, काफ़ी अच्छा मज़ा है यहाँ। तो ये जी दूसरा एंगल है, यहाँ से हमें शाह रुकन आलम जो है रहमतुल्लाह अलैह उनका मज़ार यहाँ से नज़र आ रहा है। तो बड़ा खूबसूरत लग रहा है इस टाइम जो शाम की रोशनी है। तो अभी नवीद भाई का बड़ा बड़ा शुक्रिया कि वो मुझे ज़बरदस्ती लेके आए हैं, तो मैं आना नहीं चाह रहा था यहाँ पे, लेकिन नवीद भाई ज़बरदस्ती लेके गए, नहीं जाओ मेरे साथ जाओ। अभी हम जी आ गए हैं मुल्तान स्टेडियम में अंदर। तो ये अंदर से मुल्तान स्टेडियम फुटबॉल का स्टेडियम है, तो क्रिकेट कोई मुझे पिच तो नहीं नज़र आ रही है, आप लड़के खेल तो रहे हैं। इस तरह का ये मुल्तान का स्टेडियम। तो अभी हम अपने यहाँ पे पास ही हमारी गाड़ी लगी, तो हम जाने लगे हैं मुल्तान माल ऑफ मुल्तान देखने के लिए। तो अभी हम जा रहे हैं जी माल ऑफ मुल्तान। तो जो हमारी मटन चाप थी वो अभी तैयार होने में देर लगेगी, तो अभी हम माल मुल्तान जा रहे हैं। तो हमने कहा आपको मुल्तान जो है सही डेवलप शहर वो भी दिखा दें, तो ओल्ड सिटी तो दिखा रही है काफी ज्यादा।